ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, आप ऐसे क्यों हैं, कभी पूछा है? पूछा तो होगा ही, हमने भी पूछा था, हम भी एकदम क्लूलेस हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गाने की जिसके गाने में भी यही पूछा गया था कि मैं ऐसा क्यों हूं। हम बात कर रहे हैं फिल्म लक्ष्य की, जिसको डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने, और उस फिल्म के कौन थे हीरो आप सबको पता है, हमें भी पता है, हमारे सबके फेवरेट ऋतिक रोशन जी ने। फिल्म लक्ष्य तो हम सब ने देखा ही है, और ये फिल्म इतना यूथ को आज भी रेलिवेंट लगता है, क्यों नहीं लगेगा भाई? अपने यंगस्टर्स के बारे में बात कही गई है। मैं ऐसा क्यों हूँ गाना से पहले अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो देखेंगे कि ऋतिक रोशन जी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए और डिस्कस कर रहे भैया कि किसको क्या करना चाहिए। पिताजी हमेशा हमें बोलते रहते ये करो, क्या करोगे, नहीं करोगे, यही सब चल रहा है उनके दोस्तों के बीचों में। और उसमें से दोस्त लोग अपने बताते हैं कि हमें तो भैया होटल मैनेजमेंट करना है, हमें इंजीनियर बनना है, हम आर्मी में जाएंगे। और वो सोचते हैं कि भैया ये जो कह रहे हैं कि जो इनको करना है, ये खुद चाहते हैं या सोसाइटी का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर या दोस्तों का प्रेशर से कर रहे हैं, यही क्वेश्चन रहता है ऋतिक रोशन का। और इसी के बाद से ये गाना शुरू होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ। अब देखिए कितना बढ़िया से स्टोरी टेलिंग एक गाने के अंदर किया गया, आज हम आपको बताएंगे। जब गाना मैं ऐसा क्यों हूँ शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन एक जैकेट में से अकड़े हुए और कोशिश कर रहे हैं निकलने की, और जैसे ही ऊपर देखते हैं तो उन्हें लोग दिखते हैं जो अलग अलग अजीब से कॉस्ट्यूम में बैठे हुए हैं और उनको देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कैसे सोसाइटी अपने अननेसेसरी रूल, मतलब ऐसे आलतू फालतू के रूल की शर्मा जी क्या कहेंगे, हमारा समाज ऐसा है, यही करो बेटा, इस सब में कितने उल जुलूल में फंसे हैं और बच्चे के बारे में सुनते ही नहीं है कोई। और कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, वो कैसे भी करके जैकेट को खोलते हैं और बढ़ जाते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे पीछे के सारे कर्टन्स बंद हो जाते हैं और वो अपने ही जर्नी में निकल जाते हैं कि भैया मैं कौन हूँ आज बता के रहूँगा। और गाने में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऋतिक रोशन अपने व्हाइट क्लोथ्स में खड़े हैं, अपने कॉस्ट्यूम में, और बैकग्राउंड के जितने भी डांसर्स हैं सबका एक अलग से कॉस्ट्यूम है, पूरा ब्लैक, ब्लैक कपड़ा, ब्लैक चश्मा, ब्लैक सूटकेस, जो दर्शाता है कि सब कहीं ना कहीं रैट रेस में निकले हैं भैया, जिनको पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऋतिक रोशन को ऐसे जेम्स बॉन्ड के पोजीशन में ढूंढते हुए कि भैया है कौन, हम अपने आप को खोजेंगे, ऐसा जेम्स बॉन्ड जाके खोजेंगे भैया है कौन, जान के रहेंगे। और अपने ऋतिक रोशन भैया अलग ही तरीके का मून वॉक कर रहे हैं, एक वियर्ड तरीके से, लेकिन ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया तो वहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं दुनिया से, अपने आप को खोजने में ऐसा लग रहा है उनको कि वो पीछे जा रहे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से उन लोगों ने फ्रेम किया है चीज़ों को, ऐसे ही उल जलूल में वो फंसे हुए हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जाते हैं तो देखते हैं वो बाकी बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस तो कर रहे हैं, उसमें एक नोटिस करने वाला डांस स्टेप है जहाँ पर वो कोबरा स्टेप करते हैं। इसका मतलब वही होता है भैया, अगर आप सांप को ना डसो तो नॉर्मल चलता है, पर जैसे अगर कुछ होगा ना वो डसने के लिए रेडी रहेगा, वैसे डांस स्टेप्स में वो ऊपर आते हैं फिर भी जाते हैं कि भैया हम नहीं, हम तो लड़के रहेंगे, हम आगे ही रहेंगे, कोबरा की तरह फन फाड़ के रखेंगे। और फिर जब वो अपने स्टोरी से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं वापस जकड़े हुए उस जैकेट में उसी प्लेस पे आ गए जहाँ से वो आए थे, और सब लोग उन्हें फिर दिखने लगते हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा एक जर्नी उन्होंने दिखाया कि लोग, इंसान कोशिश तो करते हैं कि हम बाहर निकले, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के समझे कि भैया हम क्या हैं, लेकिन ये सोसाइटी का प्रेशर और लोग क्या सोचेंगे, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, इसमें लोग उलझुल में फंस जाते हैं। तो भैया ये थी हमारे टीम के तरफ से और मेरे तरफ से डिकोडिंग ऑफ सॉन्ग मैं ऐसा क्यों हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल को ऐसे ठोकिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहे। ठीक है, राधे राधे।